मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान विष्णु के इस रूप की मृत्यु का कारण त्रेता युग में उनके द्वारा धारण किया भगवान राम अवतार ही था। जी हाँ, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी हमारे पौराणिक ग्रंथ महाभारत के मौसल पर्व और रामायण में दी गई है। तो चलिए आज मिलकर जानते हैं कि आखिर वो कौन से कारण थे जिन्होंने भगवान विष्णु के इन दोनों रूपों को एक दूसरे से जोड़े रखा और भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण भी बने। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार से। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप धारण कर भगवान श्री राम का अवतार लिया था, ठीक उसी प्रकार द्वापर युग में पृथ्वी पर से अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ एक विधान ये है कि जिस प्राणी ने भी इस धरती पर नश्वर शरीर के साथ जन्म लिया है उसकी एक दिन मृत्यु होनी भी तय है। इसी कारण त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने शरीर का त्याग किया था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा था। मित्रों, ये तो आपने भी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण को जरा नामक एक बहेलिये ने तीर मारा था जो भगवान कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। परंतु यहाँ ये प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु के अवतार को जरा जैसा एक साधारण बहेलिया मारने में सक्षम कैसे हो सकता है। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो वो भी श्री राम की तरह देह त्याग कर सकते थे, परंतु ऐसा न होने के पीछे क्या कारण रहा होगा। तो मित्रों, महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार भगवान कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध की समाप्ति के 36 वर्ष बाद हुई थी और इसके पीछे गांधारी का वो श्राप था जो गांधारी ने भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध के लिए दोषी ठहराते हुए दिया था और कहा था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। इससे संबंधित एक और कथा रामायण में हमें मिलती है। ये कथा उस समय की है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे और जब रावण ने अपनी बहन शूर्पनखा का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण किया था तो माता सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात सुग्रीव नामक एक वानर से हुई जो खुद अपने भाई बाली द्वारा अपनी पत्नी के छीने जाने से दुखी था। ये सुन भगवान राम को भी उनसे सहानुभूति होती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और वानर सुग्रीव भी भगवान श्री राम को माता सीता की खोज में मदद करने का फैसला करता है। भगवान श्री राम भी सुग्रीव को उसके भाई बाली का वध करने और उसकी पत्नी और राज्य को वापस दिलवाने का वचन देते हैं। एक दिन अपना यही वचन निभाने के लिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव और उसके भाई बाली के बीच मलयुद्ध करवाया और फिर सुग्रीव से मलयुद्ध कर रहे बाली को छिपकर अपने बाण से मार डाला। और ऐसा करने के पीछे का कारण ये था कि बाली इतना बलवान था जिसे सामने से कोई भी मार नहीं सकता था, इसीलिए भगवान श्री राम को उसे ऐसे छिपकर मारने की आवश्यकता पड़ी। बाली की मृत्यु देख उसकी पत्नी तारा बहुत दुखी हुई और क्रोध में आकर उसने भगवान राम को ये श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे पति को छिपकर मारा है उसी प्रकार मेरा पति अगले जन्म में छल से तुम्हें छिपकर मारेगा। और मित्रों, कहा जाता है कि बाली की पत्नी तारा के श्राप के कारण ही उसके पति बाली ने द्वापर युग में एक बहेलिये के घर में जन्म लिया जिसका नाम जरा पड़ा। जरा रात के समय में अपने धनुष बाणों से पेड़ों पर बैठे पशु पक्षियों का शिकार करता था और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जन्म से एक चिन्ह था जो रात के अंधेरे में चमकता था और वही चिन्ह उनकी मृत्यु का कारण भी बना। बताते हैं कि एक राम बलराम जी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण नदी के तट पर एक पेड़ पर बैठे हुए थे। तब उनके पैर के नीचे चमकते चिन्ह को देख उस समय शिकार के लिए निकले बहेलिये जरा को लगा कि वह किसी पक्षी की आंख है। फिर क्या था, उसने निशाना साधकर उस पर तीर चला दिया। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह घबरा गया क्योंकि उसने भगवान कृष्ण के पैरों में तीर मार दिया था। ये देख वो हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस बहेलिये से कहा, हे जरा, तू डर मत, तुमने कोई गलती नहीं की है और ये मेरे ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है।
फिर भगवान कृष्ण जरा को इसका कारण बताते हुए कहने लगे कि तुम मेरे राम अवतार त्रेता युग में महाराज बाली हुआ करते थे, जिसे मैंने ही एक पेड़ के पीछे छिपकर मारा था, और उस वक्त मिले श्राप के कारण ही आज ठीक उसी प्रकार तुमने भी पेड़ के पीछे से बिना देखे मुझे तीर मारा है। इसीलिए तुमने कोई पाप नहीं किया है और तुम मेरी कृपा से स्वर्ग में वास करोगे। इस कथा के अनुसार जरा के जाने के बाद वहां पर भगवान कृष्ण का सारथी दारुक पहुंचा और भगवान कृष्ण की ऐसी हालत देख वो भी भाव विभोर हो गया। तब भगवान कृष्ण ने दारुक से अपना एक संदेश द्वारका वासियों तक पहुंचाने के लिए कहा कि वे द्वारिका जाकर ये बताएं कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम को लौट चुके हैं, अतः सभी लोग द्वारिका छोड़कर इंद्रप्रस्थ चले जाएं, क्योंकि जब मैं द्वारिका में नहीं रहूंगा तो समंदर उसे डुबा देगा, इसीलिए ये पूरी नगरी अब जलमग्न होने वाली है। भगवान कृष्ण की ये बातें सुनकर दारुक वहां से चले गए और इसके बाद उस स्थान पर सभी देवी देवताओं, यक्ष, किन्नर, देवलोक के सभी देवतागण एवं ऋषि मुनि आदि पहुंचे और भगवान कृष्ण की आराधना करने लगे। आराधना के बाद भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वह अपनी योग माया के द्वारा शरीर को त्याग कर बैकुंठ लोक की ओर चले गए। तो मित्रों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। ऐसी ही सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ और सब्सक्राइब कर लें हमारा यूट्यूब चैनल, साथ ही लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।